हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एच बी सूरज प्ले में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। T20 वर्ल्ड कप के लिए हुई टीम इंडिया का ऐलान, जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की हुई वापसी। BCCI ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाली आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम के चयनकर्ताओं ने आज मुंबई में टीम इंडिया के चयन को लेकर एक अहम बैठक की, जिसके बाद मेगा इवेंट के लिए टीम का चयन किया गया। वहीं अगर बात की जाए तो टीम में जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की वापसी हुई है। आवेश खान को टीम में जगह नहीं मिली है। मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई, श्रेयस अय्यर और दीपक चहर को स्टैंड बाय के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। अब मैं आपको बता दूँ कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम कुछ इस प्रकार है। कप्तानी मिली है रोहित शर्मा को, उपकप्तान बने हैं राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करेंगे, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे, रविचंद्रन अश्विन, विजेंद्र चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, इन प्लेयर्स को वर्ल्ड कप में शामिल किया गया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि स्टैंड बाय के तौर पर कुछ प्लेयर्स को रखा गया है जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर टीम इंडिया बुलाएगी। उनमें सबसे बड़ा नाम है मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई और दीपक चहर को जब भी टीम की ज़रूरत होगी तो उन्हें बुलाया जाएगा। इस 15 सदस्यीय टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में होगी। वहीं KL राहुल टीम के उपकप्तान हैं। एशिया कप से फॉर्म में लौटे विराट कोहली नंबर 3 पर आएंगे, तो वहीं मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने की जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव के कंधों पर होगी। इस घोषणा से पहले भारत के विकेटकीपर को लेकर काफ़ी चर्चाएँ चल रही थी, क्या ऋषभ पंत को मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताया और उनके साथ दिनेश कार्तिक को भी टीम में शामिल किया गया है। हालांकि संजू सैमसन को इस बार भी मौका नहीं दिया गया है। गेंदबाजी विभाग में भारत के लिए राहत की खबर आई है। टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है। वहीं T20 फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट गेंदबाज हर्षल पटेल वापसी कर रहे हैं। ये दोनों ही गेंदबाज चोट के कारण काफ़ी लंबे समय से टीम से बाहर थे। एशिया कप में कमाल की गेंदबाजी करने वाले अर्शदीप सिंह को उनके प्रदर्शन का फल मिला है। यह युवा गेंदबाज अपना पहला विश्व कप खेलने ऑस्ट्रेलिया जाएगा। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार भी स्क्वाड में शामिल है। युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल ऑस्ट्रेलिया में भारत के स्पिन विभाग का